प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीतिक उठापटक जारी है। समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक कहे जाने वाले प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करीब आधे घंटे की मुलाकात की। ये मुलाकात भी एकाएक थी क्योंकि दिल्ली में सत्र चल रहा था और सत्र के बाद दिल्ली से लखनऊ रामगोपाल यादव आए, किसी को पता नहीं था। लेकिन जब पता चला तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं ये आधे घंटे की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन चर्चा किन मुद्दों पर हो रही थी, क्या मामला था, क्यों एकाएक रामगोपाल यादव मुलाकात करने के लिए आ गए, क्या कारण था, वो सुबह जाकर के स्पष्ट हो पाया। दरअसल सुबह पता चला है कि रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसलिए मिलने आए थे क्योंकि उनको समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से शिकायत दर्ज की गई थी और उनसे ये कहा गया था कि हमारे ऊपर लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई भी इस तरह की जो फर्जी मुकदमों के नाम पर है और उत्पीड़न के नाम पर है, और उसके बाद लगातार हम सब परेशान हैं, आप हमारी आवाज़ बन करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाइए। आज सवेरे 5:30 बजे करीब रामगोपाल यादव यहाँ से दिल्ली रवाना हो गए थे और दिल्ली में जाने के बाद उन्होंने वो पत्र भी जारी किया जिस पत्र के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत दर्ज कराई है। इसमें बताया जा रहा है कि सपा के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा और जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसका जिक्र इस पत्र में किया गया है। और इसके अलावा एटा के दो भाई हैं, एक विधायक पूर्व रह चुके हैं, पहले विधायक रह चुके हैं, और एक दूसरे जो हैं उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है, इनका नाम रामेश्वर और जोगेंद्र यादव है। ये दोनों 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्रत्याशी भी थे, जीत नहीं पाए, लेकिन उसके बाद से लगातार पुलिस इनके ऊपर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पुलिस के जो उत्पीड़न है वो लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसा रामगोपाल यादव ने और इन दोनों ही नेताओं ने रामगोपाल यादव से कह करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात जो है वो पहुंचाई है। उसके बाद रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके पत्र दिया है, शिकायत दर्ज कराई और ये कहा है कि इस पूरे मामले की जो जांच है या फिर उनके कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, अगर कोई बड़ा गंभीर मामला है तो उसकी जांच जो है वो CBI से करवाई जाए या जो दूसरी एजेंसी हैं उनसे करवाई जाए। मतलब यूपी पुलिस के ऊपर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को यकीन नहीं है। उन्होंने कहा कि CBI से जांच करवाइए क्योंकि लगातार हमारे जो नेता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है, उनके ऊपर जबरन कार्रवाइयाँ पुलिस की तरफ से की जा रही हैं, जबरन उत्पीड़न किया जा रहा है। तो दूसरी एजेंसियों के ऊपर इतना भरोसा क्यों है ये भी जानना होगा। दूसरी तरफ इस मुलाकात के बाद अब लगातार जो राजनीतिक गलियारा है उसमें बयानबाजियों का जो दौर है वो तेज़ हो चुका है। SBSP के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि आखिर रात में रामगोपाल यादव कौन सी डील करने चले गए थे, हम चले जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि आप लोग डील करने गए थे, जबकि हम तो अपने मुद्दों को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता की समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से या फिर BJP के नेताओं से मुलाकात करते हैं, वो भी दिन में मुलाकात करते हैं, सबके सामने करते हैं, लेकिन ये रात में रामगोपाल यादव एकाएक मुलाकात करने क्यों गए थे, कौन सी डीलिंग करने गए थे, इस तरह का जो बयान है वो सुभाषपा के नेता की तरफ से जारी किया गया है। प्रसपा भी इसमें पीछे नहीं है, प्रसपा भी कह रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे जो जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके इन चीज़ों को सामने रख सकते थे, क्यों दिल्ली से कोई आया। और ये भी कहा गया है कि अगर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो समाजवादी पार्टी के जो सीनियर नेता यहाँ के हैं उन्होंने क्यों नहीं अभी तक सवाल खड़े किए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जो भी आएगा शिकायत लेकर के मुख्यमंत्री उसकी बात सुनेंगे, उसकी समस्याओं को हल करेंगे। लेकिन ये भी कहा जरूर है, BJP के नेताओं की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भी अपराध करता है
और अपराध में संलिप्त तो रहता है तो उसे किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर रामगोपाल यादव को दिल्ली से लखनऊ क्यों आना पड़ा, बीजेपी के नेताओं का ये बयान कितना सही है, और उसके अलावा SBSP और बाकी के जो विपक्षी दल हैं वो समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप क्यों लगा रही है। बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है उसी ढंग से आज भी काम कर रही है। हमने एक बार सदन में कहा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब एक आदिवासी बहन को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बिठाने का निर्णय लिया, पूरे देश ने स्वागत किया, सभी दलों के लोगों ने अपनी पार्टी लाइन से हट करके उनको मदद किया, तब उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की मुखिया को नहीं दिख रहा था कि आदिवासी बहन का समर्थन करना है, और ऐसे व्यक्ति का इन्होंने समर्थन किया जो इनके पिताजी को ISI एजेंट को कहा था। और आज जब सदस्य विधान परिषद का चुनाव हुआ, उनको ये अच्छी तरह पता था कि हमारे पास मतों की संख्या पर्याप्त नहीं है, हमारा प्रत्याशी चुनाव हारेगा, फिर भी एक आदिवासी बहन को उन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ना पहुंचाने का काम किया। और आज जो पर्चा खारिज हुआ है, तो मैंने जो पहले लाइन कही, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। देखिए, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आज ये साफ करना चाहिए। आदरणीय प्रोफेसर साहब कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है, मुख्यमंत्री जी सबके हैं, सबको मिलना चाहिए, लेकिन कौन ऐसी मुसीबत थी कि आदरणीय प्रोफेसर साहब चोरी छुपके से जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले? आखिर कौन ऐसी मुसीबत आ पड़ी थी? क्या समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल नहीं था? समाजवादी पार्टी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार वो कौन पत्र था जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। और पिछड़े दलित मुसलमानों की जो बात समाजवादी पार्टी कर रही है, तो जब रामपुर में, आजमगढ़ में, बलिया बनारस से लेकर के पूरे प्रदेश में अत्याचार और अन्याय हो रहा था, चाहे वो मुसलमानों पे, चाहे यादवों पे, या पिछड़े दलित वंचित शोषितों पे, उस समय समाजवादी पार्टी और जो प्रोफेसर साहब मिले हैं वो कहां थे, ये भी बताना चाहिए। और दूसरे विपक्षी दलों का जो अब समाजवादी पार्टी से पूछे जा रहा है कि आखिर रातों रात मुलाकात करने का क्या मामला था, क्यों मुलाकात करने आए थे, कोई दूसरा नेता जब मुलाकात करता है तो आप लोग क्यों सवाल करते हो जब आपके खुद के नेता मुलाकात करने चले आते हैं, क्या कारण था, कई सारे जो कारण और कई सारे जो सवाल हैं वो बाकी के राजनीतिक दलों की तरफ से पूछे जा रहे हैं। फिलहाल सभी मेहमान इस डिबेट में जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी मेरे साथ BJP से जुड़े हुए हैं, नितेंद्र यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद इखलाक हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा इजहार अहमद सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपसे थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, और सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का आज के डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। नितेंद्र यादव जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, ये सवाल उठ रहा है आप लोगों की मुलाकात को लेकर के कि जब हम मुलाकात करते हैं तो हंगामा आप लोग करने लग जाते हैं, ये प्रसपा भी कह रही है, सुभाषपा भी कह रही है, और जब आप लोगों ने मुलाकात कर ली तो उसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, क्यों, क्या कारण है? पहला होता है हम किसी को नोटिस देते हैं, ज्ञापन देते हैं, दूसरा होता है कि हम धरना करते हैं, और तीसरा होता है हम प्रदर्शन करते हैं। शिष्टाचार अलग चीज होती है और हमें अपनी बात कहने जाना अलग चीज होती है। बाकी लोगों की मुलाकात और आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव की मुलाकात भी बहुत फर्क है। ये तर्क कहना कि दिल्ली से क्यों, पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद दूसरा स्थान समाजवादी पार्टी में रखती है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी से आगे नहीं जाएंगे तो उनके स्थान पर बतौर प्रतिनिधि आदरणीय रामगोपाल जी जा सकते हैं, और वो कोई अपने लिए नहीं गए थे या जाकर सरेंडर करने नहीं गए थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करने आया हूँ, अच्छा, या मैं उनके किसी समर्थित कैंडिडेट को वोट करने आया। वो पार्टी के कार्यकर दो कारणों से गए थे। एक तो कुछ दिन पूर्व जब हमारे समाजवादी परिवार में एक शोक की घड़ी आई, उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हमारे नेताजी के घर पे आकर के उनको जिस तरीके से शोक संवेदना देने आए थे, उसके तुरंत बाद, क्योंकि प्रदेश में
जब उनका आगमन हुआ तो एक तो उसके लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना होता है, ये शिष्टाचार होता है कि आपके घर अगर कोई सूट नहीं आता है तो आप उसको उसके समय में मिले तो आप उसको धन्यवाद ज्ञापित करें। दूसरा, चूंकि पार्टी के पूर्व विधायक, मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष और उस पूरे परिवार के साथ, जो एक समाजवादियों का मजबूत लड़ाकू परिवार है, उसके साथ द्वेष भावना से लगातार जिस तरीके से उत्प्रेरणात्मक कार्रवाई हो रही है, और आपको याद होगा कि वहां के मौजूदा विधायक का वीडियो ऑडियो भी वायरल हुआ था, एक अधिकारी और एक पाल को, तहसीलदार को हद्दी बत्ती गालियां देते हुए कि इनको बर्बाद करना है, इनके खिलाफ जैसे भी हो षड्यंत्र करिए, इनके खिलाफ मुकदमे लगिए, इनके खिलाफ इनकी जांचें कराइए और इनको जैसे भी हो तो फंसाना है। आपको पता है वहां का जो क्षेत्रीय विधायक है उसका ऑडियो भी वायरल हुआ था एक अधिकारी को धमकाते हुए, उसके चलते हुए कि अगर हमारे, आप कहते हैं, मैं बिल्कुल गर्व के साथ कहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत है, दोषी है, तो आप उसके साथ कार्रवाई करें। लेकिन ये नितिन जी, नितिन जी, नितिन भावना के तहत मैं ये कह रहा हूँ, नितिन जी, एसबीएसपी कह रही है कि ओम प्रकाश राजभर जनता के मुद्दों को लेकर के मुलाकात करने जाते हैं, तब आप लोग कहते हैं कि वो अपनी डीलिंग करने गए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी गए थे, डीलिंग ही करने गए थे, क्योंकि उन्होंने, अच्छा, आपने देखा जिस तरीके से गठबंधन की विचारधारा से हटते हुए जिस तरीके से वोटिंग की, इसको क्या कहेंगे। मैं फिर कहा कि हम कोई भारतीय जनता पार्टी के सामने समर्पण करने नहीं गए, विपक्ष हैं, और विपक्ष का मतलब ही होता है, ठीक है, कि सत्ता से आग में आग डालकर बात की जाए, ठीक है। उसके तीन चरण होते हैं, प्रथम चरण ज्ञापन होता है, दूसरा चरण धरना होता है, तीसरा चरण प्रदर्शन होता है। हमने पहले चरण से शुरुआत की है कि अगर समाजवादियों का उत्पीड़न अगर कोई करेगा तो हम अपने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक तरफ, जहां की वो एक सामाजिकता और नैतिकता निभाते हुए हमारे घर आए, हमारे नेता साथ शोक संवेदना व्यक्त की, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन अगर उनकी पुलिस राजनीतिक द्वेष भावना के तहत अगर समाजवादियों किसी भी व्यक्ति का, आम जनता का भी उत्पीड़न करेगी, तो इसकी आवाज को समाजवादी बुलंद करेंगे, उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, जिसका ज्ञापन भी हमने आज देने का काम किया है, और इसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर अल्टीमेटम देने का भी काम किया है। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ। इजहार अली हमारे साथ एसबीएसपी से हैं। इजहार भाई, नितिन जी की बात आपने सुनी ना, जवाब तो मिल गया होगा, अब दर्द आप लोग का कम हुआ, क्योंकि वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप लोग डीलिंग करने गए थे, हम कोई सरेंडर होने नहीं गए थे, हम ज्ञापन देने गए थे। ये इतना बौखलाए हुए हैं, इसकी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। देखिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, मैं आपको बहुत विस्तार से बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा समय दीजिएगा, आपसे निवेदन है जी। पिछले महीने आपने एक घटना सुनी होगी हापुड़ में, जिसमें 11 लोग कट्टर समाज के और 2 लोग मुस्लिम समाज के फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। पिछले महीने मैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं दोनों लोग, हम लोग खुद उनके शाहजहांपुर उनके आवास, उनके गाँव गए थे। किसी नेता, किसी पार्टी ने उनके दुख में शामिल होने की सोची तक नहीं, और हम लोग उनके घर गए, उनके लिए शोक संवेदना प्रकट की, और उनके लिए प्रशासन अधिकारियों से बात करके उनकी जो भी सुविधा थी उनको उपलब्ध कराने की कोशिश की, और उनसे ये वादा किया कि मैं यहाँ से सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा रहा हूँ, और जो संभव मदद होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर और आपको दिलवाने काम करेंगे। उसके संबंध में हम मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, इनको तकलीफ हो जाती है, अरे ये तो चले गए चिल्लाने लगते हैं, और एक काशिमाबाद के पास एक कटिंग के पक्ष, मतलब एक कटिंग है, उसे क्या नाम है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे एक कटिंग नहीं, उससे कई क्षेत्र के लोग प्रभावित होते हैं, उस संबंध को लेकर हम दयाशंकर सिंह से जिसे मिलते हैं, इनको तकलीफ होती है। एक बनारस से एक कोई चौराहा है, वहां पे बस सेवा नहीं थी, उस संबंध में अगर दयाशंकर सिंह से मिलते हैं, इनको तकलीफ हो जाती है। नहीं तो ये भी तो अपनी समस्या को लेकर के मिलने गए थे, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं हमको तकलीफ नहीं, हमने नहीं कर तकलीफ। ये जब हम गए तो इन्होंने हमको चिट्ठी जारी करवा दी कि भाई आप भाजपा के लोगों से मिलते हो और आपको हम स्वतंत्र करते हैं, तो ये बताइए राम गोपाल यादव जी के लिए चिट्ठी कब जारी हो रही? ये सपा के प्रवक्ता महोदय बता के जाएंगे। नितिन जी जवाब दे दीजिए। दूसरी बात है, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के हुए चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी आवाज को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से या माननीय कैबिनेट मंत्रियों से अगर नहीं मिलेंगे तो अगले 7-5 साल बाद फिर हमको जनता समझा देगी। ठीक है सर, ठीक है, जनता के जवाब ले लूं, जवाब ले लूं इजहार भाई, मैं जवाब। दूसरी बात, नितिन जी, एक सेकंड,
ये जो एकदम से मुस्लिम और पिछला प्रेम जगा दिल्ली में सो रहे थे, अचानक 8 बजे फ्लाइट लैंड होती है मौसी एयरपोर्ट पे, और बगैर पर्सनल असिस्टेंट के माननीय रामगोपाल यादव जी बहुत वरिष्ठ नेता, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, मेरा सवाल है केवल, और जाके मुख्यमंत्री कालिदास मार्ग पर पहुंच जाते हैं, वहां से जब निकलते हैं तो 1 घंटे बाद समाजवादी पार्टी का ऑफिस लेटर जारी होता है कि नहीं वो तो मुसलमानों को पिछड़ों की आवाज, वो जो है फर्जी मुकदमे थे उनके लिए गए थे। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हो, क्यों मुसलमानों को बेवकूफ, वैसे मुसलमान को इतना आपने ठगा है, इतना उनका वोट लेके उनका कोई ना उनको नौकरी में कोई स्थान है, ना उनका समाज में कोई स्थान आपने दिया है, क्यों इतना परेशान, क्यों इतना। ठीक है, मैं जवाब ले लू इजहार भाई। नितेंद्र जी, ये इजहार अली है प्रसपा से, ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि आप लोग मुसलमानों को, सुभाषपा से और ये कह रहे हैं कि आप लोग लगातार मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे। कल भी आप लोगों ने कुछ इसी तरह से किया, रामगोपाल यादव जब मिलकर के आए तो उसके बाद आप लोगों ने पत्र जारी कर दिया कि मुसलमानों पर फर्जी मुकदमा हो रहा, उसके लिए मिलने गए हुए थे ये लोग। और दूसरी चीज इन्होंने ये भी कही कि जब हमारे नेताओं ने मुलाकात करी थी तो आप लोगों ने पत्र जारी कर दिया था, अब कब पत्र जारी करेंगे कि जहां ज्यादा आपको सम्मान मिल रहा है वहां जाएं। देखिए, रामगोपाल यादव जी ने तो कभी ये कहा नहीं कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, इनको सम्मान की दिक्कत थी। हाँ। तो इनको हमने मुक्त किया कि ये आप सम्मान प्राप्त इनको डिबेट करने का तरीका नहीं मालूम, तो थोड़ा दिन ट्रेनिंग लेके आ जाए कहीं। नहीं नहीं, बोल लीजिए सर, बोलिए। या तो इनका पोस्टमार्टम जरूरी है, इनका मैं चरित्र बता देता हूँ, जिसका जिसके दम पे बहुत लंबी तकरीर कर रहे हैं। ये सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का जरा चरित्र जानिए कि हमने इनको छोड़ा है कि ये लोगों को छोड़ते हैं। ये 1980 में बसपा से जुड़े थे, ये राजनीति का इनका चरित्र जरा एक लाइन में, एक मिनट मौका दीजिएगा। ये 1996 में पिंडारा से विधानसभा का चुनाव लड़े, बुरी तरीके से चुनाव हार गए, फिर 2000 में इन्होंने बसपा छोड़ दी, क्या उनको निकाला था, सम्मान की दिक्कत वहां रही होगी। फिर 2001 में टिकट मांगने बसपा में गए, फिर वहां टिकट नहीं मिली, तो ये अपना दल सोनेलाल जी की उस समय शरण में चले गए। इन्होंने दो सोनेलाल जी के साथ 2 साल का समय बिताया, वहां भी इनको सम्मान की दिक्कत हुई, तो सोनेलाल जी को छोड़ करके ये भाग गए। फिर इन्होंने 2000 में पार्टी बना ली, पार्टी बनाने के बाद ये लगातार 2000 का चुनाव, 2004 में चुनाव लड़े, सब जगह जमानतें जब्त हो गई, 7 में लड़े सारी जमानतें जब्त हो गई, 9 में लोकसभा का चुनाव लड़े सारी जमानतें जब्त हो गई, 12 में इतिहास लेकर के आए हैं आप। ठीक है नितिन जी, ठीक है सर, मैं आऊंगा। अंतिम लाइन है। इसके बाद 17 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कंधे में बैठ करके 8 सीट लड़े और 4 सीट जीत गए। उस दिन से इनका थोड़ा नाम चर्चा में आया। इसके बाद जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे, रोज अनर्गल बयानबाजी करते रहे, उनको इनको वहां भी सम्मान नहीं मिल रहा था, ये सम्मान छोड़ करके वहां से भाग करके आए। इसके बाद जब 2022 का चुनाव आया, इनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी की लहर चल रही है और सरकार बनने जा रही, तो ये भाग करके आ गए। और जब यहाँ पर चुनको हमने 13 सीटें दी, ये 6 सीटें चुनाव जीत गए। ये उस उम्र से तक सरकार बनेगी, मंत्री बनेंगे, चूंकि सरकार नहीं बनी, जनता ने जो फैसला लिया हम उस फैसले के साथ में खड़े हो गए और हमने नेता की भूमिका निभाई। लेकिन इनको सत्ता की चटपटाट परेशान कर रही है, मैं आऊंगा प्लीज नितिन भाई, सत्ता की चलने चाटने पहुंच गए। ठीक, मैं आऊंगा। मोहम्मद इखलाक हमारे साथ प्रसपा से हैं। इखलाक भाई, चाचा नाराज हुए, हताश हुए, परेशान हुए, फिर पत्र आया सम्मान को लेकर के, अब जब सपा के नेता मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं तो आप लोगों को क्या दिक्कत है, मिलने दीजिए। नहीं, दिक्कत देखिए हमें नहीं है। हाँ, दिक्कत तो समाजवादी पार्टियों को सबसे ज्यादा थी। हाँ। कि अगर कोई नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी या
ओपी राजभर जी जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते थे तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो समाजवादी पार्टी के लोगों को थी, पत्र देने में ये सबसे आगे और कल ये पत्र देने में सबसे पीछे रह गई, तो ये तो सोचने वाली बात है समाजवादी पार्टी के लिए। पत्र ये सबसे पहले देते हैं, उनके लिए कार्यकर्ता कितना है, मैं आप देखिए दिल्ली से नेता चले आए, तो क्या इनको उत्तर प्रदेश में जो इनका प्रदेश अध्यक्ष है और बाकी के लोग हैं इनको इन पर भरोसा नहीं है कि दिल्ली से मंगवाया गया लोगों को? और आखिर रात के 9 बजे 8:30 बजे लोगों को पता चला कि राष्ट्र प्रमुख महासचिव प्रोफेसर साहब माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए, क्या करने गए थे? क्या उन्होंने कोई सूचना दी थी पहले से कि हम जाएंगे रात में जाके मिलने? रात में क्या बात करिए आप हमें बताइए, या समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठे हमें बताएं? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सपा के नेताओं के साथ, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, पूरा सुन लीजिए। तो जब हमारे नेता अपने क्षेत्र की जनता की समस्या के लिए जाते थे तब इतनी उंगली क्यों उठाते थे ये नौरत्न जो समाजवादी पार्टी के हैं, ये जवान कुर्बान करने वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये लोग तब क्यों इतनी उंगली उठाते थे? हमारे नेता तो खुलेआम जाते थे, लेटर जारी करके जाते थे कि क्षेत्र की समस्याओं को लेके गए हैं, तब इनको क्यों इतनी दिक्कत होती थी? और कल का लेटर जब समाजवादी पार्टी को मैंने देखा उसमें ये लिखा था कि मुसलमान और पिछड़ों की बात करने गए। आखिर रात के 9 बजे कौन मुसलमान और पिछड़ों की बात करने जाता है भाई? तो पिछले 6 साल से तो आप कहीं दिखे नहीं, करने क्या गए? अरे पिछले 6 साल से मुझे बता दे कि मुसलमान पिछड़े इनको याद नहीं आए? पिछले 6 साल से तो इन्होंने मुसलमान पिछड़ों को वंचितों को किसी को नहीं पूछा, और अब इन्होंने लेटर जारी किया, और आज एक प्रोफेसर साहब लेटर जारी करते हैं कि वो एटा के 2 भाई हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो ये तो 2 लेटर जारी करके खुद अपने आप में फंस रही समाजवादी पार्टी, रात में कुछ दिन में कुछ, तो यही चरित्र समाजवादी पार्टी का अब रह गया है कि दूसरा कोई अगर कुछ करता है तो उस पर उंगली उठाना आसान है, मगर ये नहीं जानते कि 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठी हुई हैं। ठीक है, नितिन जी जवाब दीजिए जल्दी से। नितिन जी, जिस तरीके की बातें इन लोगों के द्वारा आई, मैंने स्वयं कहा कि हमारा नेता वहां गया और आने के बाद लेटर जारी किया कि हम इसलिए गए थे। इन लोगों ने आज तक कभी भी कोई पत्र दिया क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार दिया है क्या कि हम इस सिलसिले में गए थे? ये जाते थे साष्टांग दंडवत होकर के अपनी बात कहकर चले जाते थे। हमारे नेता ने तो जो कहा, जो अल्टीमेटम दिया है, उसका लेटर हमने बाकायदा जारी किया है कि हम ये ज्ञापन देने गए थे। आप क्या करने गए थे ये बातें अब नेताओं को ही जानने दीजिए। अब ये लोग जिस तरीके से दिग्भ्रमित हैं, तो ये दिग्भ्रमित सोच है, आइए संघर्ष करिए। मैं तो कह रहा हूं, ललकार रहा हूं, आप अगर करें तो सब कुछ सही है, आपके हिसाब से सब कुछ चले तो सब कुछ सही है, अगर दूसरा कोई करे तो वो गलत है, दूसरा कोई करता गलत है। और एक चीज और मैं बताऊंगा, मैं इन्हीं की बात मान लेता हूँ कि भाई राम गोपाल जी अचानक उनको प्रेम जगा, वो आके मुख्यमंत्री से मिलिए कि भाई पिछड़ों की बात है और आप उन पे कार्रवाई ना करिए। चलिए ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। तो ये बताइए, जब शहीदुल इस्लाम तो आपके वर्तमान विधायक हैं, उनके पंप पे जब बुलडोजर चला और यह उन्नाव का जो आपका पदाधिकारी हो, देखिए नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने जब इस्तीफा दिया तब आपके राम गोपाल जी आपके पार्टी के नेता कहां थे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कि भाई हमारे पार्टी के वर्तमान विधायक उनके बुलडोजर न चलाइए? केवल आपके लिस्ट में बस ठीक है, मुसलमान एक चीज हमें ये बता दें कि लेटर जारी करने में सबसे आगे है, तो आखिर प्रोफेसर साहब को कब लेटर दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो जाए, या कब समाजवादी पार्टी को जाके बीजेपी में विलय कराएंगे? मैं आऊंगा। देखिए जब बातें अंदर हुई, जो वो बाहर जो मीडिया में आ रहा था वो सच बात ये थी कि किसी मीडिया में किसी चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि उनको सांसद नहीं बनाया गया इसलिए वो नाराज हैं, कोई अगले से खफा हैं, या उनको मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए बात, जो भी बात हुई हो अंदर ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन ऐसा तोहरी राजनीति नहीं चलेगी। मैं नितिन यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि जो 27% आरक्षण पिछड़ों का है, क्या इस मुद्दे पे आप जो है तो भारतीय समाज पार्टी के साथ माननीय ओम प्रकाश राजपति के साथ खड़े हैं? सदन की नहीं है, मैं जवाब ले लूंगा, मैं जवाब ले लूंगा। जब इस बात ठीक है सर, मैं जवाब ले लूंगा, आगे चलिए। जाता है जो 27% आरक्षण है सर भाई, ठीक है, आप सदन में क्यों नहीं आवाज उठाते? ठीक मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। विवेक जी, सबका साथ सबका विकास कानून का राज, फिर आप लोग क्यों समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं उनका, कि उनका भरोसा ही उड़ गया आप लोगों से, आपकी पुलिस से? देखिए नितिन जी, समाजवादी पार्टी का तो भरोसा सरकार से एक बार उड़ जाए तो समझ में आता है, पुलिस से तो उठने का सवाल नहीं होता। क्यों? सबसे ज्यादा भर्तियां
समाजवादी पार्टी के शासन में ही पुलिस में की गई है हाँ। और जाति विशेष के लोगों की गई है तो ऐसे में अगर अपने ही नई बात कर रहे हैं। अगर अपने ही लोगों से भरोसा उठ रहा तो ये बड़ी आश्चर्य करने वाली बातें हैं हाँ। रही बात मेल मुलाकात की तो दोनों लोग सदन के सदस्य रहे हैं, कोई भी किसी से मिल सकता है और चूंकि वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, किसी भी विषय को लेकर के कोई भी सांसद, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी व्यक्ति उनका दरवाजा खटखटा सकता, उनसे मुलाकात कर सकता है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पत्र जारी किया गया है ना, दो पत्र जारी हुए, एक तो ट्वीट आया है, ट्वीट में ये कहा गया है कि मुस्लिमों पर और ये उनका विषय है कि उन्होंने वहाँ पे किन किन विषयों पर चर्चा की, ये तो वही बता सकते है और जिनसे चर्चा हुई वो बता सकते हैं। और इस विषय पे चूंकि उन्होंने पत्र जारी किया है तो ठीक है भाई, वो जो बता रहे उसी को माना जाए। अब रही बात, चूंकि हमारे जो अन्य विपक्षी दल हैं उनकी जो दिक्कतें हैं कि साहब हम मिलें तो साहब आप चिट्ठी सू कर देते हैं और ये मिल के आए तो इनको पत्र का भी सू करेंगे, तो ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसके आपस के विश्वास की समस्या है। हम बार बार कहते थे कि ये बेमेल गठबंधन ये बहुत दिन चलेंगे नहीं, इनका अस्त्र क्या होगा, और बार बार हम ये कभी कहते थे कि अखिलेश यादव जी कभी भी गठबंधन को ले चलने में सक्षम नहीं रहे और आगे क्या होगा देखा जाएगा। उसका परिणाम भी सामने आया कि एक एक करके सारे दल उनके गठबंधन को टाटा बाय बाय करके निकलते चले गए और आज स्थिति कहाँ तक आ चुकी वो हम आप सब देख रहे हैं। विश्वास की तो बात छोड़ दीजिए, अविश्वास की बेल बड़ी गहरी है, कौन किससे मुलाकात कर रहा है इस पर लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है और उसकी कैफियत ना मिलने पे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो राजनीति में ये नहीं होना चाहिए, मेल जोल मुलाकात बातचीत तो सबकी सबसे होती रहती है, उसको इतना बड़ा मुद्दा बना करके एक दूसरे को डीलिंग वाली बात भी आ गई ना बीच में कि डीलिंग करने गए थे या वो डीलिंग करने जाते हैं। देखिए अब ये जो लोग कह रहे हैं ये उनका विषय है, उन्होंने जो बात की वो जो बता रहे हैं उन्होंने अपना पत्र सबके सार्वजनिक किया है। बाकी रही बात मुख्यमंत्री पद, आपको लगता है कि सपा के नेताओं के कार्यकर्ताओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं देखिए ये तो सत्य है कि अपराधी सरकार में बेचैन है, जो भी अपराध में है भ्रष्टाचार में है उसके ऊपर सरकार का चाबुक चल रहा है, उसको बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि किसी राजनीतिक विद्वेष से किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। हाँ, जो लोग अपराधी कर्मों में हैं या किसी बड़े घोटाले में वो तो कार्रवाई की जद में, जैसे आज ही कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में 12 जगह छापा पड़ा है तो ये सब भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं और उसमें बहुत जगह बरामदगी भी हो रही है। तो भ्रष्टाचारी तो पूरे भारत में परेशान है, प्रदेश की बात छोड़ दी, पूरे भारत में भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। अब उसमें किसको क्या परेशानी, मैं उसमें तफसील से चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री पद ऐसा है और पद की के स्तर पे जो विषय होता है कि उनके समक्ष जो विषय लाया जाएगा उनके द्वारा अनावश्यक, एक बार आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि सपा के नेताओं को पुलिस पर यकीन क्यों नहीं है यूपी में। नहीं, हमें नहीं सोचना है, ये सोचने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों का है कि उनका पुलिस से विश्वास क्यों उठ रहा है। ज्यादातर लोग तो उन्हीं के वहां बैठे हुए हैं, अभी तो एक भर्ती, मुश्किल से एक भर्ती भारतीय जनता पार्टी शासन में हुई है पुलिस की, तो ऐसे में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती है, जो सरकार की तरफ से उसको पूरी छूट है कि अपराधियों को बख्शा ना जाए, किसी की सिफारिश अनावश्यक सुनी ना जाए, तो पुलिस उस तरह से काम कर रही है। ठीक सर, सुभाष यादव जी हमारे साथ हैं जनता संघर्ष मोर्चा से। सुभाष जी, आप इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को किस नजर से देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं डीलिंग को लेकर के, ये कितना सही है और क्या इसमें आगे और होगा? नितिन जी, आपके डीलिंग वाले सवाल पे आता हूँ मैं। जैसा कि सारे लोगों ने बोला और यहाँ पे नितिन जी की एक बात बड़ी गौर करने वाली बात है कि वास्तविकता है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रकाश राजभर जी, उनकी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से हुई थी, उसके बाद में विभिन्न दलों के अंदर वो गए, फिर बाद में अपनी राजनीतिक पार्टी उन्होंने बनाई। विधानसभा के अंदर अगर उनकी उपस्थिति दर्ज हुई तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करने के बाद, इसके पहले वो जीरो थे। तो कहीं ना कहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी पार्टी की विश्वसनीयता पे सवाल तो उठता है कि आखिर में किस करवट जाएंगे वो, क्योंकि सारे दलों से उन्हें गठबंधन करके देख लिया है वो।
लेकिन उसकी विश्वसनीयता जो है, उनका जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं गौर करने वाली बात है। रही बात इसके अंदर डीलिंग करने वाली बात, तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जब पिछले साल जब वो पिछली कार्यकाल के अंदर जब वो मिनिस्टर थे एक साल, उसके बाद उन्होंने पार्टी से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट चले गए थे, उस समय आपने देखा होगा वो मुख्यमंत्री से मिलने कभी नहीं गए। इस कार्यकाल के अंदर मुख्यमंत्री से मिलने अगर गए तो सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी को लेके गए, महामहिम के राष्ट्रपति चुनाव के अंदर लेके गए, यानी उनको बुलाया गया था। जिस प्रकार राष्ट्रीय सचिव जो बोल रहे सुभाष पाके के, नहीं वो जनता की समस्याओं को लेकर गए थे या किसी और चीज को लेकर गए थे। नितिन जी ने बात कही कि सरेंडर, अरे भाई अरे ठीक है, आप एक एक करके बोलिए ना, पहले सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं सुभाष। राष्ट्रीय सचिव सुभाष पा इजहार अली जी, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखे, आपके बीच में हम नहीं बोले थे, आप बोलिएगा। आपने जो बात बोली उसी बात पे मैं आ रहा हूँ, और नितेंद्र जी ने बात बोली उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। डीलिंग हुई है नहीं उसके अंदर मुझे नहीं जाना, लेकिन आप खुद बता दीजिएगा इसके बाद में कि क्या पिछले कार्यकाल के अंदर मंत्री पद का इस्तीफा देने के बाद में एक बार भी मुख्यमंत्री से मिलने गए नहीं गए? इस बार भी अगर वो गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिनर पार्टी के अंदर गए जब उनको बुलाया गया था महामहिम के राष्ट्रपति चुनाव में, ठीक। अब डील है या नहीं वो आप समझेंगे और नितेंद्र यादव जी समझेंगे, मैं नहीं समझूंगा, मैं सिर्फ आपकी बातों को उसके ऊपर इशारा कर रहा हूँ। यहाँ पे नितिन यादव जी ने बोला, अरे भाई शाहजहांपुर के, सुन तो लीजिए सर, इजहार भाई, इजहार भाई सुन लीजिए प्लीज, मैं आऊंगा इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। नितेंद्र जी ने बोला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बाद में अगर कोई सेकंड लॉबी का नेता है, सेकंड नंबर का नेता है, तो राम गोपाल यादव जी हैं, और वो कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के लिए गए थे। तो पहली बात तो उत्पीड़न तो उसके साथ होगा नहीं, गलत होगा तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन अगर उत्पीड़न की बात हो रही है या कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई की बात हो रही है तो नितिन जी 2017 से लेकर 2022 के अंदर भी कार्रवाइयां हुई है, तब तो राम गोविंद चौधरी जी आते थे विरोधी पक्ष नेता, इस बार तो विरोधी पक्ष नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, क्यों नहीं गए? सेकंड नंबर के नेता को दिल्ली से लाने की क्या जरूरत थी? ये भी तो सोचने वाला बिंदु है। आज आप डिफेंस कर रहे हो रामगोपाल जी को कि नहीं वो तृतीय नंबर के नेता इसलिए चले आए, तो पिछली बार भी तृतीय नंबर के नेता थे वो, कोई चौथे पांचवे आठवें दसवें के नंबर नेता नहीं थे वो, क्यों नहीं गए? तब राम गोविंद चौधरी जी को आगे क्यों किया जा रहा था? अब यहां पे दो लेटर जारी हुए, एक तो ऑफिशियल पेज के ऊपर जो जारी हुआ समाजवादी पार्टी का, उसके अंदर पिछड़े दलित वंचित और मुसलमानों के हक की बात के लिए गए थे कि उनके साथ उत्पीड़न हो रहा इसलिए गए थे, लेकिन रामगोपाल जी ने जो लेटर जारी किया उसके अंदर जो एटा फर्रुखाबाद के जो यादव बंधु हैं उनका जिक्र किया गया। तो सबसे बड़ी बात तो समाजवादी पार्टी ये तो क्लियर करे कि ऑफिशियल पेज पे मुस्लिम दलित पिछड़ों की बात हो रही है, रामगोपाल जी जो लेटर जारी कर रहे हैं उसके अंदर यादव बंधुओं की बात हो रही है, तो ये किसे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं? रही बात रात के अंधेरे में मिलने के लिए, तो ये कोई नई बात नहीं है। प्रसपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव, इसके पहले भी कई बार मिल चुके, रात के अंदर मिले हुए, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए समय मिलना चाहिए, जब समय मिलेगा नेता तभी मिलने के लिए जाएगा, और वो मुख्यमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तो है नहीं, हर पार्टी के मुख्यमंत्री, वो तो पूरे प्रदेश के मुखिया है वो, तो उनसे कोई भी मिल सकता है, कोई भी जा सकता है मिलने के लिए उनकी परेशानियों को लेकर। लेकिन रात में जाना दिन में जाना ये मेरे हिसाब से कोई युक्तिसंगत चीजें नहीं बनती है, क्योंकि अगर रात में अगर समाजवादी पार्टी के अगर नेता जा रहे हैं तो शिवपाल सिंह यादव भी पिछली बार गए थे पिछले कार्यकाल के अंदर, वो क्या करने के लिए गए थे? तो ये आरोप न लगाते हुए मुख्यमंत्री की व्यवस्था को देखें, और जब मुख्यमंत्री के तरह समय मिलेगा आदमी मिलने के लिए जाएगा, सारे मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं वो, तो इसके अंदर जो अनर्गर आरोप लग रहे हैं वो कहने के मैं इसको समझता हूं गलत है, लेकिन यहां पे समाजवादी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि लेटर की सच्चाई क्या है और ऑफिशियल पेज की सच्चाई क्या है। ठीक है, इजहार अली क्या कह रहे थे आप बताइए। नहीं, हम ये कह रहे थे, असल में है कि आपको बताएं, सारे सारा विपक्ष हमलावर क्यों है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश राज भट्टी पर? वो इसलिए हमलावर है कि वो बराबर पिछड़ों और पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच में रहते हैं, उनके दुख सुख में शामिल रहते हैं, उनके हर बुनियादी जरूरत के चाहे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात हो वो उनके लिए लड़ते रहते हैं। मैं इसीलिए बात ये कह रहा हूँ, मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी कि 27 अच्छा मैं आप लोग को रोकूंगा, मैं आप लोग को रोकूंगा। शिवपाल सिंह यादव का भी एक ट्वीट आया है, अभी जस्ट एक ट्वीट आया, और उन्होंने दोनों ही पत्र की जो कॉपी है वो उसको ट्वीट किया, और उसमें लिखा है कि न्याय की ये लड़ाई अधूरी क्यों है, आजम खान साहब, नाहिद हसन, शर्जिल इस्लाम और अन्य कार्यकर्ताओं के लिए क्यों नहीं है। हाँ, आप कंटिन्यू करिए। मैंने तो अभी यही बात कही ना कि भाई वो बरेली वाले वो जो शर्जिल इस्लाम है, उन्नाव के एक तो आपके संगठन के सपा के बहुत बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, ये नाहिद हसन, अरे बहुत से तमाम बहुत से तो उनके लिए आपका प्रेम क्यों नहीं जगा? उनके लिए आपने आज तक आजम खान साहब, आदरणीय आजम खान साहब इतने साल सीतापुर जेल में रहे, उनके लिए आपकी आवाज क्यों नहीं उठी? तो खाली
केवल जात विशेष के लिए उठेगी। और रही बात जो हमारे भाई कह रहे थे, देखिए समाजवादी पार्टी को यही एक दिक्कत थी कि ये मंत्रियों से मिलते हैं। अरे मंत्रियों से मतलब सरकार से आप मिलिए तो चाहे मुख्यमंत्री से मिलिए, चाहे कैबिनेट मंत्री से मिलिए, चाहे राज्य मंत्री से मिलिए, बात तो एक ही है वो भाई, किसी जनता के मुद्दे के लिए या जनता के किसी काम के लिए अगर किसी भी सरकार के नुमाइंदे से मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे तो आप ये समझ लीजिए सरकार से मिलेंगे। और ये जो इन्होंने बात उठाई है, ये शाहजहांपुर के मीडिया के साथी वहां पे थे, उन्होंने बाइट लिया, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसका ऐलान किया कि मैं जाके आज ही माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर और आपके समस्या जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं सुभाष यादव, सुभाष यादव जवाब दे रहे हैं, पिछड़े जवाब ले लीजिए, पिछड़ी जात से आती, ठीक जवाब ले लीजिए। हाँ सुभाष जी क्या कह रहे हैं, उन्होंने जवाब खुद ही दे दिया, उन्होंने अभी बोला कि वो किसी एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, उनसे कोई भी मिल सकता है, इन्होंने खुद स्पष्ट कर दी इस बात को, यानी इनके सवाल के अंदर ही मेरा जवाब छुपा हुआ है। तो यहाँ पे भी बात वही आ रही है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ किसी पर्टिकुलर एक पार्टी एक व्यक्ति विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है, वो सबके मुख्यमंत्री है। लेकिन इजहार भाई मुझे ये बताइए, आप दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमान भाइयों की जो बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए 2017 से 2022 के अंदर एक साल मंत्री पद ग्रहण करने के बाद में जब इस्तीफा दिया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चार साल क्यों नहीं लड़ाई लड़ी भैया, तब मुख्यमंत्री से एक बार मिलने के लिए क्यों नहीं गए, बताइए जरा। अरे मुख्यमंत्री से क्या मिलते भाई, हमारी लड़ाई से क्या मिलते हैं, की रिपोर्ट को लेके हुई, जब मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलेंगे भैया, अपनी शिकायत किसके पास दर्ज कराएंगे आप, मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे आप, अपनी सरकार खुद बनाएंगे, जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की हमारी लड़ाई थी जिसमें 7% पिछड़ा और 9% अपिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़े की बात थी, उसी रिपोर्ट को लागू कराने के संबंध में तो हमारी बात हुई, जब वो उन्होंने नहीं लागू किया तो हमने मंत्री पद छोड़ दिया। तो उसकी बात करिए ना, फिर उसकी बात करिए ना दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, फिर उसकी बात करिए ना, आपकी हम बता रहे ना तो रिपोर्ट वाली बात करिए कि रिपोर्ट वाली लड़ाई के ऊपर हम लोग उनसे छिटक गए थे, भटक रहे हैं आप, सुभाष ने बात बताइए 11/3/2022 की जो हाईकोर्ट की जो आदेश है कि सरकार को कि राजभर जात को एसटी में शामिल, आप मुझे बताइए यार भाई कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर आप क्यों गए, प्रेसिडेंट इलेक्शन में आप क्यों गए, चलिए छोड़ दीजिए, चलिए आप ही की बात को, इधर भाई मैं आप ही की बात पे आ जाता हूँ, इधर भाई सुन तो लीजिए, इधर भाई सुन लीजिए, चलिए मैं आप ही की बात पे आ जाता हूँ, प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर आप क्यों गए, अरे प्रेसिडेंट इलेक्शन में जब हमसे आप वोट नहीं मांग रहे हो, हम आपके घटक दल हैं ना, हमको आप बता रहे हो और उसके बाद हमको बेइज्जत करने का काम कर रहे हो, हमको यानी आपसे जो वोट मांगेगा आप उसको वोट उसी के पास जाओगे, आप सुन लीजिए हिजार भाई, आप खुद ही फंस रहे हैं अपनी बातों के अंदर, चलिए ठीक है हिजार भाई, इसका मतलब आपको जो बुलाएगा उसको आप वोट देंगे, जब आप हमको एक बार फोन करके बता रहे हो कि कल 7 बजे सोच सिन्हा के आएंगे, आपकी मीटिंग है, आपका आना है, उसका 2 घंटे बाद ऐसी कौन भाई स्थिति आ गई जो आपने मना कर दिया कि नहीं आना है, यही चीज है, यही चीज है यार भाई, तो एक तरफ तो आप बोलते हैं कि हमें बुलाया नहीं गया, दूसरी तरफ आप आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली मामेन की बात करते हैं, ये दो चीजें जो होती है ना, ये दो चीजें ही धोखादायक होती है, एक चीज उन्हें चिस्टेंट लेने वाली, मैं आऊंगा नितिन यादव जी के पास चलेंगे, नितेंद्र जी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ठीक है सर हो गया आपका, मैं आऊंगा प्लीज, हो गया इजहार भाई, हो गया नितेंद्र यादव जी, विवेक जी कह रहे हैं कि पुलिस से आप लोगों को कहेगा खौफ है, भाई पुलिस तो आप ही लोग की है, आप ही लोग ने भर्ती किया था, दूसरी चीज अभी शिवपाल जी ने एक ट्वीट किया उसमें शर्जिल इस्लाम, आजम खान इन लोग का नाम भी डाल दिया कि इनके लिए कभी कोई पत्र देने के लिए क्यों नहीं गया था, एक तो हालांकि विवेक जी हमारे पुराने साथी हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन इस बात पर मुझे वास्तव में हंसी आई कि क्या जिसके कार्यकाल में जो भर्ती होती है पुलिस उसकी हो जाती है, अरे भाई पुलिस सरकार की होती है, पुलिस हर कार्य विभाग की एक भर्ती की, तो इसका मतलब इन्होंने मान लिया कि जो अब जो भर्ती की गई है ये सब पुलिस जो है भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है जो इसकी इनकी सरकार में भर्ती की गई है, तो ये लोग जहां तैनात होंगे वो निश्चित रूप से समाजवादियों का उत्पीड़न करेंगे, तो उन थानों में वही लोग तैनात है जो इनकी सरकार में भर्ती किए गए पुलिस वाले थे, वो पुलिस वाले जो है जो भारतीय जनता पार्टी के पुलिस वाले है ये माना जाएगा अब ये वही लोग है जो उत्पीड़न कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात मैं अपने दोनों साथियों से सुभाषपा और प्रसपा के साथियों से बात करना चाहता हूँ कि ये लोग बार बार
सवाल समाजवादी पार्टी से कर रहे हैं, हम विपक्ष हैं, यह सवाल भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं करते? मेरा मानना यह है कि भाई आप एक पार्टी हो, आपका एक संविधान है, आप बहुत लड़ाकू और अपने संविधान और अपनी विचारधारा के प्रति बहुत कट्टर है। आपको आदरणीय सुखपाल जी की पार्टी लोहिया जी के विचारों पर बनी है, आप लोहिया जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके, आप लोहिया जी के विचारों को बढ़ाइए, आप मुख्यमंत्री जी का घेराव करिए और आप समाजवादी पार्टी से आगे निकल करके सरकार बना लीजिए। भाई हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, यही शुभकामनाएं हम भाई ओम प्रकाश जी की पार्टी को दे रहे हैं कि आप जनता के बीच में संघर्ष करिए, आप जैसी इस्लाम के लिए लड़ लीजिए और जो भी जिनका जिनका आप जिक्र कर रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं, हमने जो जो लड़ना है लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आप हमसे आगे बढ़ के लड़ाई लड़िएगा, वो आपकी हैसियत नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आप वो व्यक्ति हो बगुला भगत जिसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, सुनने की क्षमता भी आप रखिए, व्यक्तिगत बयान अगर हमारे नेता के ऊपर आप देंगे तो व्यक्तिगत बयान मैं भी दे सकता हूँ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के ऊपर हमारे नेता के ऊपर करेंगे, देखिए बात गलत करेंगे तो टोकूंगा मैं। व्यक्तिगत बयान आप हमारे नेता के ऊपर नहीं कर सकते, तब आपके नेता की हैसियत बता दीजिए कि इतने चुनाव हारने के बाद भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब आप अपने नेता से क्या आपकी हैसियत है कि आप अपने नेता से पूछ सकते हैं कि पांच चुनाव हरा दिया आपका हटेंगे? इतनी हैसियत आपकी नहीं होगी, आप कैसे हमारी हैसियत हमारे नेता के ऊपर कह सकते हैं? आप हमारे नेता की हैसियत की बात कैसे कर सकते हैं? आप हमारे नेता की हैसियत की बात कैसे कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ हैसियत की बात, आप अपने भी नेता की हैसियत की बात रखिए फिर। अरे भाई पूरी बात सुनो तुम जवाब दो वरना जवाब नहीं दे पाओगे। मैं कह रहा हूँ कि आप लोहिया के विचारों की पार्टी हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप बहुत आदर्शवादी हो, बहुत लड़ाकू कौम हो, तो आप लड़ो और हमसे आगे निकल जाओ। मैं शुभकामना दे रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ, तो आप हम पर उंगली क्यों उठा रहे हो? आप पर उपदेश कुशल में उतरे रहे, आप दूसरे को उपदेश क्यों दे रहे हो? आप भी दूसरे रास्ते में चल रहे हो, आप तेजी से दौड़ लगाइए। यही बात ओम प्रकाश जी के लिए कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश जी को मैं एक शब्द कहा जाता है बगुला भगत, मिल मन में राम बगल में छुरी, मिल जाए राम तो हो भी छुरी, ये इनका सिद्धांत है। ये कह रहे हैं हमें बुलाया नहीं गया, तो इसका मतलब आप अपनी विचारधारा दलित पिछड़ा और सामाजिक न्याय रिपोर्ट को छोड़ते हुए जैसे ही आपको बिस्किट दिया गया आप भागते हुए बिस्किट खाने क्यों चले गए भाई? आप अपनी विचारधारा के साथ रहते, हमारा आपका जवाब हमारा गठबंधन नहीं होगा तो आप अपनी विचारधारा छोड़कर बिस्किट खाने चले जाएंगे। ठीक, जवाब ले लो, एक लाख क्या कह रहे हैं फिर आगे चलेंगे। हमारे नितिन भाई एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हाँ। जैसा इन्होंने भी बताया कि हम लोग छोटे प्रवक्ता हैं, हम लोग छोटी पार्टी से हैं, हाँ। तो देखिए इल्जाम लगाने का काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया, ये समाजवादी पार्टी ने किया, हम क्या हमें सुनो फिर जवाब दो समाजवादी। आप सुन लीजिए नितिन भाई, आप सुन लीजिए नितिन भैया सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा इल्जाम लगाया, जब हमारे नेता जाते थे तो हमारी पार्टी और हमारे नेता के ऊपर बहुत इल्जाम लगाते थे, और लोहिया जी की भी बात कही तो लोहिया जी की ने बात कही कि आप लोहिया जी के स्टूडेंट है आपके, मैं चैनल पहले भी रहा हूं, उन्होंने कहा, तो इसका तो प्रमाण हमने दे दिया भाई, प्रेसिडेंट इलेक्शन में हमने इसका प्रमाण दिया कि हम आदरणीय नेता जी का जिन्होंने अपमान किया हो हम उसके समर्थन में कैसे जा सकते हैं? यशवंत जिन्हा जी को हम कैसे वोट दे सकते हैं जिन्होंने नेताजी का अपमान किया था? ये हमें बताएं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे बैठे हैं कि नेताजी का अपमान ये बर्दाश्त कर सकते हैं? मुसलमानों पिछड़ों के अपमान को 6 साल बर्दाश्त कर सकते हैं? ये अचानक से कैसे मुसलमान पिछड़ों का प्यार इनको जग गया? अभी तक तो नहीं जगा था। जवाब ले, और दो लेटर, एक बात और खत्म करूंगा कि दो लेटर जारी करती है समाजवादी पार्टी, कुछ जारी करती है आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी कुछ जारी करते हैं, तो ये दो लेटर कैसे भाई? समाजवादी पार्टी कहती है मैं मुसलमान पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, रामगोपाल यादव जी कहते हैं कि मैं दो भाई एटा के उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। भाई एक साथ रहिए आप, आपकी पार्टी में आप लोग खुद एक साथ नहीं दो लेटर जारी करते हैं? और ये बता रहे हैं कि अब हम और हैसियत देखिए नितिन भाई, मैं हमेशा से कहूंगा कि व्यक्तिगत अगर टिप्पणी समाजवादी पार्टी करेगी तो फिर मैं भी करूंगा। ठीक ठीक, मैं आऊंगा, मैं सुभाष जी मैं आऊंगा। इजहार अली, ये दो तीन चीजें बोली गई हैं अभी, नितिन जी कह रहे थे कि आप लोग क्यों नहीं इनसे आगे निकल जाते हो, आप नहीं आगे निकल पाओगे क्योंकि आपकी हैसियत नहीं है, बबुला भगत भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोल दिया गया, और बिस्कुट वाली बात बोली कि जब बिस्कुट दिया गया तो आप भागे भागे गए। असल में है क्या, हाँ। नितिन जी को और पूरी समाजवादी पार्टी को ओम प्रकाश राज भर लेरिया हो गया है, ये रोग होता है, ये कौन से ग्रस्त हो गए हैं, ये बगैर ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए, हाँ। इनकी राजनीति नहीं चलेगी, हाँ। और हमारी हैसियत क्या है,
ये आपको 2024 में पता चलेगा। 2017 में 47 पे थे और 2022 में पूर्वांचल पे 8 जिलों में खाता नहीं खुला है भारतीय जनता पार्टी का। ये हैसियत हमारी है। और ये जो बात कर रहे हैं बुंदेलखंड में 2017 में खाता समाजवादी पार्टी का नहीं खुला था, हमारे साथ में ठीक है, जवाब ले लो, जवाब ले लो, समय भी कम है थोड़ा, जवाब ले लो। हमारी हैसियत ये है। और आगे असल में बात ये है ना, बात ये है नितिन जी कि ओम प्रकाश राजभर जी के बगैर ये एक कदम नहीं चल सकते। ठीक है भाई, हो गया हो गया, इजहार भाई मैं आगे उनको रिपोर्ट जवाब ले लो, जवाब नितिन जी, नितिन जी जवाब दीजिए, रिपोर्ट है कि जो है बगैर ओम प्रकाश राजभर के, नितिन जी एक 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 किस्सा सुनाऊंगा थोड़ा जल्दी से, थोड़ा जल्दी से, इजहार भाई हो गया, इजहार भाई प्लीज सुन लीजिए, देखिए कुछ किस्सा सुना रहे हैं वो, इजहार भाई नितिन जी किस्सा सुना रहे, सुनिए मजा आएगा आपको। हाँ नितिन जी, एक्चुअल में पहले तो एक भैया की ये 2014 में भी 2012 में चुनाव लड़े थे, ये 2012 में चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी। तो समाजवादी पार्टी जब ओम प्रकाश राजभर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे तब 2012 में हम लोग 224 सीटें जीत करके आए थे, तो हमें लगता है इन्हीं की दम पर जीत करके आए थे। दूसरा मैं जवाब देना चाहता हूँ कि एक बार एक गाँव में बैलगाड़ी जा रही थी और उस बैलगाड़ी की छांव में नीचे एक कुत्ता चल रहा था और वो देख देख के अगल बगल परछाई से बड़ा खुश हो रहा था कि ये बैलगाड़ी तो मेरी पीठ पर चल रही है और अगर मैं जाऊंगा तो ये बैलगाड़ी भी टूट जाएगी और ये सोच सोच के बड़ा आतंक बन गया। इस तरह की शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इस तरह की शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो रास्ते से आगे निकल गए, उसके ऊपर तो छांव थी वो भी खत्म हो गई और फिर उसने प्रयास किया कि छाया को पाया प्लीज, ठीक है हो गया भाई, आप लोगों का इस तरह के शब्दों का प्रयोग कीजिए प्लीज, हो गया हो गया प्लीज, हो गया हो गया हो गया, ठीक 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 हो गया हो गया हो गया प्लीज, हो गया। अब आप बताइए नितिन जी, आप बताइए 5 साल में 1.5 दिन खाली विधानसभा क्षेत्र जहुराबाद में गए थे और 46,000 से चुनाव जीते। ठीक है सर, ठीक है मैं आऊंगा, इजहार भाई मैं आऊंगा, इजहार भाई मैं आऊंगा। विवेक जी, विवेक जी एक सवाल आपसे बनता है, नितिन जी ने कहा कि आप लोगों ने जो पुलिस की भर्ती की मतलब वो आपकी पुलिस अजीत के दिखाइए बता रहे हो आप, अरे यही यही जो आप हो गया इजहार भाई प्लीज, हो गया प्लीज इजहार भाई, बाकियों को बोलने दीजिए, हो गया सर, हो गया हो गया, नितिन जी मैंने जो कहा जी बहुत तार्किक तरीके से मैंने विषय रखा। हाँ। जब समाजवादी पार्टी के समय में भर्तियां होती थी हाँ। तो उसमें जात विशेष के लोगों का सूची में नाम भरमार रहती थी और खासकर पुलिस की भर्तियों में तो केवल इटावा मैनपुरी कन्नौज इसी तरफ के लोगों की भरमार रहती थी। तो आज उसी पुलिस से समाजवादी पार्टी को इतनी चिंता अगर हो रही है तो मुझे उसका कोई आधार नहीं समझ में आता। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो अभी केवल मुश्किल से एक भर्ती पुलिस की निपटी है, तो पुलिस उत्पीड़न जैसा तो कोई विषय नहीं है। हाँ, सरकार की नीति साफ है कि भ्रष्टाचारी और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और उनको चुन चुन करके जेल पहुँचाया जाएगा, वो काम चल रहा है। दूसरा नृपेंद्र भाई से मेरा निवेदन है कि देखिए ठीक है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भी विपक्ष के नेता हैं और उनकी भी जमीन पे एक आवाज़ है, उनका भी एक एरिया जहां उनकी आवाज़ लोग बुलंदी से सुनते हैं, किसी के बारे में ऐसे हल्के उपमा ना दें जिस तरह से समाजवादी पार्टी पहले एक पोस्टर जारी करके जो गलती कर चुकी है उस गलती को दोबारा अपने शब्दों में ना दोहराएं, ये ठीक बात नहीं है। कोई भी राजनेता राजनीति में है, अगर कहीं से जनप्रतिनिधि चुन करके आया तो उसके इससे उसका भी तो अपमान होता होता व्यक्तिगत रूप से, उसके क्षेत्र की जनता का भी अपमान है जिन्होंने उनको चुन करके विधानसभा या लोकसभा में भेजा है। ऐसे किसी भी राजनेता की उपमा ऐसे हल्के शब्दों से ना करें कि बिस्कुट दे दिया और वो कुत्ता वो बैलगाड़ी, आप लोग पहले भी पोस्टर जारी कर चुके भाई। देखिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव दलगत एक मिनट राष्ट्रपति के चुनाव में तो हम लोगों ने इजहार जी रुक जाइए, राष्ट्रपति के चुनाव में तो हम लोगों ने सबसे अपील किया था कि आप लोग दलगत भावनाओं से परे आकर के हमारे प्रत्याशी का समर्थन करिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आज़ादी के 75वें साल में देश के राष्ट्रपति उस वर्ग से हैं जो समाज का अंतिम पायदान पे खड़ा वर्ग है और आज अगर उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जा रहा है, उनको राष्ट्रपति जैसा पद भारतवर्ष दे रहा है, तो इसमें सबको
जो लोग उनके निर्वाचन मंडल में रहे, जो उनका नाम प्रस्ताव करे, सबको आप लोगों को एक सुर से बधाई देनी चाहिए। उसके लिए ओम प्रकाश राजभर जी भी बधाई के पात्र, जिन्होंने अपनी पार्टी लाइन से हट करके उनका समर्थन दिया और वो आज वो आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति हैं। तो उस विषय पर यहाँ चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो विषय समाप्त हो चुका। उसमें इस तरह की टिप्पणी की बिस्कुट दे दिया जहाँ चले जाते हैं, ये सब हल्की बातें नहीं। वो पोस्टर भी गलत है, उसका भी निंदा होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं। प्लीज हो गया सुभाष, ये सही बात है। सारे लोग ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हैं। इजहार भाई सुन लीजिए, इजहार भाई कम राजनीतिक सुचिता शब्दों के मर्यादा का भान रखना चाहिए। इजहार भाई प्लीज, ठीक है हो गया, बता दिया गया, ये मेरी पार्टी मानसिकता नहीं है। दूसरा ये है की यहाँ पे जो अभी विवेक भैया ने बोला है की इन्होंने पूरे सारे दलों से इन्होंने आग्रह किया था, बिल्कुल सही बात विवेक जी आपने बिल्कुल सही बात बोली की सारे दलों से चुनाव आग्रह किया गया था, निवेदन किया गया था की समाज के अंतिम पायदान पर बैठी हुई संथाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महामहिम के चुनाव के अंदर सब अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर वोट करें। लेकिन विवेक जी आपने इसी डिबेट के अंदर ध्यान नहीं दिया कि यही सुभाषपा के प्रवक्ता इजहार अली ने क्या बोला कि हमें बुलाया नहीं गया, उन्होंने हमें बुलाया इसलिए हमने वहां वोट दिया। इन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वोट नहीं दिया, इन्होंने बुलाने पर वोट दिया। ठीक है, इसमें देख लीजिए इन्होंने अभी बोला। दूसरा यहाँ पे जो हैसियत की जो बात हो रही थी, यहाँ पे मोहम्मद इखलाक जी ने भी बोला था कि चार चुनावों का जिक्र किया कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चुनाव हार गए थे। तो वो जो चार चुनाव का उन्होंने जिक्र किया नितिन जी, 2014 शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अंदर थे, 2017 शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अंदर थे, यानी दो चुनाव तो शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में थे। तो ये दामन पे जो दाग अगर लगेगा हारने वाला तो उन पे भी लगना चाहिए। 2019 में शिवपाल सिंह यादव अकेले चुनाव लड़े थे लोकसभा के अंदर, हर सबको मालूम है। तो हैसियत की अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी या प्रसपा अपने आपस में जो हैसियत दिखाने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं प्रसपा को भी अपने अंदर झांकना पड़ेगा। रही बात इजहार भाई की, ना पूर्वांचल का इन्होंने जिक्र किया, मुसलमानों के वोट की बात की, 2027 का जिक्र किया। ये विधानसभा के अंदर भी अगर पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी बदल पहुंचे। पूर्वांचल के अंदर इन्होंने बात की, तो पूर्वांचल के अंदर 2019 के अंदर ये घोसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे एक सीट पे लोकसभा, इनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। मुसलमानों की वोट की इन्होंने बात की, सपा से गठबंधन करने के बाद ही इनको मुसलमानों का वोट मिला, इनका व्यक्तिगत कोई मुसलमानों का जनाधार नहीं है। तो हैसियत दिखाना ना दिखाना बात की बात, लेकिन पार्टियों को अगर इतना घमंड है तो ये राष्ट्रीय पार्टियों से गठबंधन न करके धरातल पर उतर के खुद आजमा लें ये लोग, इनको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। और यही इनका जो लड़ाई झगड़ा है जो डिबेट के माध्यम से उजागर हो रहा है, यही भारतीय जनता पार्टी की जीत की सीढ़ी है। यही 2027 के अंदर फिर से प्रचंड बहुमत से केंद्र की सत्ता पे भारतीय जनता पार्टी को बिठाएगी। देखिए सुभाष भाई ने अभी जैसा बताया कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी 12 में भी थे 17 में थे, तो किस पोजीशन पे थे वो तो शायद सुभाष भाई नहीं जानते। 12 नहीं बोला मैंने, 17 14 बोला, नहीं आपने 12 भी शायद नहीं, 12 में सरकार बनी थी, 14 ठीक है। तो 2012 की जो सरकार बनी थी तब भी तो शिवपाल आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब थे, 2003 से 7 की सरकार बनी तब भी तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी साहब थे, बिल्कुल। तो वो भी चीज आप देखिए, तो विक्रम जी मैं आपको जरा जोड़ दूं इसी में, शिवपाल जब कामयाबी के अंदर आपने शिवपाल जी का जिक्र कर दिया कि कामयाबी में उनका योगदान था, तो असफलता के अंदर भी उनका हक लीजिए। काहे अखिलेश यादव के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हो आप, गठबंधन के घटक दल हो ना आप, नहीं गठबंधन के घटक दल हो आप, जब गठबंधन के घटक दल हो आप, हमें ये, नहीं पता था आपके पास सवालों के जवाब नहीं है। नहीं मैं सवाल आगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ, सफलता के अंदर आप बोलोगे कि हमारी सफलता में अधिकार है, मैं तो कह रहा हूँ असफलता के अंदर आप अपना अधिकार नहीं लोगे। अरे आपको पल्लवी पटेल से शिक्षा लेनी चाहिए, पल्लवी पटेल ने स्पष्ट बोला था, पल्लवी पटेल से शिक्षा लेनी चाहिए आपको। सुन भी लीजिए, आज अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ दे, रिजल्ट हम दिखा देंगे आपको, बोलिए उनको। समाजवादी पार्टी की जड़ आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब थे, शायद ये बात भूल रहे हैं, अगर अब इनको क्या हम बता सकते हैं, दो प्रवक्ता को जवाब एक साथ दे सकते हैं। आपके पास सवालों के जवाब नहीं, यही होता, ये भी भाषा की मर्यादा होती है, जो आप ज्ञान देने लग जाते हो ना, ज्ञान की बात, सवालों के जवाब नहीं देते हो, प्रवक्ता बैठे हुए हैं। तो मैंने भाजपा की जीत, मैंने भी भाजपा की जीत की बात की, तो क्या मैं भाजपा का प्रवक्ता हो गया क्या? विवेक जी क्या कह रहे हैं? देखिए हमारे सुभाष जी की बातों का मोहम्मद इखलाक जी ढंग से जवाब न दे सके। उन्होंने कह दिया कि साहब वो हारे थे तो उसमें शिवपाल जी भी शामिल थे। शिवपाल जी शामिल तो थे, किस दशा में थे ये भी तो चर्चा का विषय है। मैंने कहा विवेक जी, प्रचारक सूची में शिवपाल जी का नाम तक नहीं था। अच्छा विवेक जी को नहीं, भाई जी का नाम जी 17 में स्टार प्रचारक भी नहीं बना। अब ऐसे में अगर अकेले हार रहे हैं, मैंने आपको बताया, सवाल का जवाब ना दिया करें, मैंने बताया ये सही है, बताया उस चीज को, मैं भाजपा की तारीफ करूं तो मैं भाजपा का प्रवक्ता हो जाऊं, ये सही है नहीं ना? किस कंडीशन में 14 17 में थे,
और आज देखिए आप ही के चाचा की पार्टी के मुझे सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, देख लीजिए नितिन जी। अरे भाई उनके चाचा नहीं अखिलेश, ये तो आप चूंकि जनसंघर्ष मोर्चा है तो जब जनसंघर्ष करेंगे तो समय समय पर आपको उपाय मिलेंगे, खैर वो सब बातें चलेंगी। मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ इन्हीं दोनों प्रवक्ताओं की बात से, ये दोनों प्रवक्ता बैठे आज विवेक जी भी चूंकि उसी में शामिल हो गए हैं, आज शिवपाल जी का उससे मोहब्बत, आज शिवपाल जी की मोहब्बत जागृत हो गई है। देखिए जो अंदर के समय समय पर बाहर आती है। एक बात कहना चाहता हूँ मेरी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसके पहले बिल्कुल एक ही एक सेंटेंस बात आएगी। ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, ओवैसी और अपना दलीय चारों लोग, इन लोगों ने एक गठबंधन चुनाव से पहले भी बनाया था और इस चुनाव के बाद ये लोग जब चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर चुके, फिर सुभाषपा ने वापस लिया था। और इस चुनाव के बाद में ओम प्रकाश राजभर का आपको एक बयान याद होगा, उन्होंने कहा था हम चारों लोग 100-100 सीटें लड़ते और चुनाव का परिणाम जीरो आता, उससे अच्छा था कि हम अगले सिक्स साथ 10 सीटें लड़े और 6 सीटें पा गए, ये मेरी उपलब्धि है। तो ये बात इन लोगों को याद रखना चाहिए कि इन लोगों की अपनी, जो मैंने जो हैसियत की बात की थी, ये इनके नेता स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए ऐसी कोई बात ना करें कि बाद में फिर और चीजें चेहरे पे नकाब करना पड़े मुझे। ठीक है धन्यवाद। मैं फिर कह रहा हूँ धन्यवाद इजहार भाई, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक उठा पटक है वो अभी भी चल रही है। रामगोपाल यादव जो कि थिंक टैंक कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी के, कल उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी है। मुलाकात के बाद दो तरह के बयान सामने आए, या ये कहा जाए कि दो तरह के पत्र सामने आए और उन पत्रों में अलग अलग बातें कही गई हैं। सच्चाई किसमें है ये तो रामगोपाल यादव ही बता सकते हैं। हालांकि उनका जो पत्र है वो ज्यादा सही माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने यादव बंधुओं का जिक्र किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो चीजें जारी की गई हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ और भी नाम है या फिर कुछ और भी ऐसे वर्ग हैं जिनका जिक्र किया गया है। अब देखना ये होगा कि ये उत्तर प्रदेश का माहौल, राजनीतिक माहौल किस ओर करवट लेता है। आज के डिबेट में मेरी दिन नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस